ये पूर्वल के हमार देवी हमार पूर्वल के सज्जुगी जमाना के किला एक अति बेटा सज्जुगी जगाना के माने देवी बैठे हैं माने देवी है भागत रिच कथे तो अगले में पाटन वाला है और बीच में सोनपुर वाले है और ये छेम हमार तरी घाट वाले है बेटा छेम हमार तरी घाट वाले है भगवा देवता वो मेरे से बैठे है अभी वह पत्थर हो है और माने यहू देवी मन का लो पता हमार पूर्वल के यह पूजी मंदिर है बेटा अभी कुन के मंदिर नो हमार पूर्वल के मंदिर है समझे हमार सियान है वो बड़े मुड़ के बाबा खम है वो देवे है करियन तब तो वो किचक खाना रहित कथे किचक खाना में आदमी खा डरे कथे आदमी खा डरे तो वो भागत रहित कथे भंसूली डहा अब वो मुही में पानी गिरती तो मुही में पड़ रहा घोड़ा अब वो घोड़ा सुधा वो सियान ख़त्म हो गए तब बोल तरिया मुद्राज कमंडल तीरछूल अब भगवान हुआ वस्त्र रख के बोला रखे रही अब मैं बीमार पड़े हूँ बेटा बीमार पड़े हूँ ना तब मोर समूह तक मोर सियान है तब भाई कहे लड़की बीमार है कि कहा गुरुदेव में बीमार हाथ जोड़ के मैं खड़ा हो गया तब तो ससुर ने बतावे कि तब मैं ससुर ने बताएं तब सामान लानी अब तुरते पूजा करे इसमें मोर बड़े मुड़ के बाबा ये बस्ती माना थे बेटा मोर ये बाबा मोर ससुर बेटा पूजा लान के बैठारी तरिया लिए बैठारी तब मैं बताएं पर्रा घोड़ा बेटा जटा है वो करुद्राज है माने तिरछूल है भगवान है ऐसे सबोल में हमारे ससुर बेटा बताएं उसने वह बनवा है अपन अब माना थन देवता बेटा कई पूर्वल के वो मोर पुरखा है वो हमार कई पूर्वल हमार सात पीढ़ी पुरखा नहीं जाने तब के हमार वो पुरखा है कहते बड़े मुड़ के बाबा अब बता केला लान के तरिया ले मोर ससुर बेटा बैठा रहे है तो यू मंदिर है सज्जुग की जमानक बने कहते मंदिर है बेटा अभी किन किन अब बड़ बड़ पत्थरा लगे है मंदिर में यहाँ बड़ बड़ पत्थरा लगे हम नहीं जानन हमार ससुर है नहीं जानन कहते तेन तब के ये मंदिर बने सज्जुगी जबाना के बेटा हाँ सज्जुगी जबाना के माँ माया के मंदिर में सरस्वती माता है बेटा सब छात छात देवी है छात छात है ये देवी है छात छात है बेटा ये सड़क चलत इसमें बतावत हम अभी कुन ये मोर बाबू मन छोटे छोटे रिच मोर बेटा मन छोटे रिच मोर बेटा मन छोटे छोटे तब माने सड़क चलत रही से तो बिलासपुर के टेम पीपर आए जैसे एक दू भाई जैसे दोनों बहनी है दू भाई जैसे अब दुकान में का करन बेटा हमू मन कमावन हमू मन कमावत हैं तब अब वो है देवी में बदना बदी मैं फुलवारी फुलवारी लगाऊँ माता मला माने मोर कोख ले चला दे कि दोनों बहनी के बेटा बेटा हो गए पाँच जोत जला दी बेटा पांच जोत अब बता पांच जोत पांच पीढ़ी की मोर पूजा ये है बेटा पांच पीढ़ी की मोर पूजा पीढ़ी की मोर पूजा ये है समझे मोर मोर ससुर के पहाड़ों ओकर बाद में मोर बेट मोर सियान के बाद में मोर बेटा के बाद में मोर नाती मन के माँ है अब मोर नाती मन के माँ है बेटा मोर नाम दीपक बन गोस्वामी हवे मोर पांच पीढ़ी से यहाँ पूजा करते हुए याद है मैं भी माता रानी की पूजा आराधना करते हुए आता हूँ यहाँ बचपन से ही यहाँ आता हूँ मैं और बचपन से ही देखा जाता हूँ कि ये जगह बहुत
शांति सुखमय ये जगह में आभास होते। बिल्कुल यहाँ आए के बाद इस जगह में बहुत शांति मिलते, सुख मिलते, बहुत आनंदमय ये जगह। तरी घाट के महामाया मंदिर बहुत ही प्राचीन है और प्राचीन के कर अभी पास में ही खुदाई हुए पुरातत्व विभाग से एकर से देखे से अनुमानित ये पता चलते कि यहाँ 2-3 युग के पाषाण कुषाण और कलचुरी तो अपन मंदिर कलचुरी कालीन के ही निर्माणित है। देखा जाए तो यहाँ बड़े बड़े काले पत्थर चूना और गुड़ से निर्माण करे गए हैं मंदिर और बहुत दूर दूर से यहाँ भक्तगण यहाँ आते। यहाँ निसंतान दंपंती यहाँ मनोकामना लेके आते और आज भी होकर मनोकामना यहाँ से पूर्ण होते हुए जाते। आगे देखा जाए तो मंदिर में यहाँ बावली भी है पास में, वहाँ नाग नागिन के जोड़ा है। मोर पहली दादा ये बताए कि वहाँ नाग नागिन के यहाँ जोड़ा है तो मैं भी एक बार बचपना रिस मोर यहाँ तो मैं भी होकर दर्शन पा चुके हूँ। तो नाग देवता लगा तो बहुत बड़े हैं ऊपर है ना, तो मैं छोटे से बच्चे रहूँ तो डर गया मैं। यहाँ सिंह भी है तो बताते दादा मन है कि ओमा ये माता मन है बैठ के आए है जो आज भी यहाँ गांव वाले बताते पूर्वज मन की आज भी होकर दहाड़ सुने ला यहाँ मिलते। नवरात्रि पर्व में यहाँ मनोकामना ज्योति कलश भी जलते। यहाँ अभी तो नवरात्र पर्व ही चला थे ओमा भी एक विश्व में कोरोना महामारी के तहत भी भक्त मन के हर्षोल्लास देखते हुए भी यहाँ 112 ज्योति कलश प्रज्वलित करे गए है। ये मंदिर पहुँचे के मुख्य मार्ग ये है, रायपुर से पुराना धमतरी रोड होते हुए भरेगा भाटा से 5 किलोमीटर की दूरी तरी घाट, यहाँ से आप धमतरी जा सकत हो 40 किलोमीटर, दुर्ग 40 किलोमीटर, बालो 10 किलोमीटर और रायपुर 30 किलोमीटर बीच मुख्य में है और अपन पाटन यहाँ से 7 किलोमीटर।